अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आसफा सलीम। ये है आपका चैनल ड्रामा कहानी। तो आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाली हूँ वो है तेरे बीन। जी हाँ जी, इस ड्रामे में कुछ मिस्टेक्स हैं राइटर से जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो कि प्रीवियस वीडियो गुजर चुकी है उसके ऊपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जी प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ है, जो राइटर ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, जो लीडिंग करेक्टर हैं यमुना जैदी और जो मुर्तसिम का करेक्टर कर रहे हैं, ये मेन हीरो हीरोइन का लीडिंग करेक्टर है, इसके सीन बहुत ज़्यादा कम हैं, जो कि आप देखेंगे उसके सीन ज़्यादा होने चाहिए थे इस एपिसोड में, वो बहुत कम लिए गए हैं। दूसरी मिस्टेक ये है जो कि अंश बना हुआ है कि असल में चौधरी का बेटा जो कि डबल करेक्टर कर रहा है, वो एक सीन में तो दिखाया गया है कि उसे पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं, जबकि दूसरे सीन में दिखाया गया है वो मरियम को कॉल कर रहा होता है। समझ नहीं आई, तीन कत्ल के केस उस पर बने हैं और वो दूसरे सीन में जो है उस केस से बरी जमा होकर बाहर आ गया और वो मरियम से बात कर रहा है, जबकि राइटर को ये सीन पहले लेना चाहिए था जबकि वो सीन बाद में लेना चाहिए, ये समझ नहीं आई। तो अगर जो है राइटर इसमें ज़्यादा एफर्ट पुट करता तो ये ड्रामा बहुत अच्छा बन सकता था। इसकी कास्ट बहुत अच्छी है, इस उनमें सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ वीक पॉइंट दूंगी, अगर मैं इसको नेगेटिव दूंगी तो राइटर को दूंगी, क्योंकि उसने इसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा फॉल किए हुए हैं, तो उसकी वजह से बाद सीनों में हमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता। जो मुर्तसिम और उसकी मीरब की केमिस्ट्री बनी हुई थी ना, तो उस पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाएं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे जल्दी जल्दी ये इस ड्रामे को बस निपटाया जा रहा है, राइटर जो है बस एकदम उसको जो है ड्रामे सारे की स्टोरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एकदम उसने सारे ड्रामे को बिल्कुल लपेट लिया है और बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है किस सीन में और क्या हो रहा है। इतनी जल्दी उसने बस पिछली एपिसोड में क्या हुआ, तो इस साइड में मुझे तो लगता है कि कुछ ही एपिसोड में वो उसका बिल्कुल एंड कर देंगे। जो मुर्तसिम और मीरब की जो स्टोरी चलानी चाहिए थी इसमें, तो वो नहीं दिखाई जा रही, तो मैं राइटर को इसमें बिल्कुल इतना नहीं करूँगी। लेकिन एक्टिंग कमाल है, कास्ट भी बहुत कमाल है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखें, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान और इंडिया में। तो रिव्यू करते हैं, चलें आज की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, चले चलते हैं। अंश मरियम को लेकर जा रहा होता है, वो दोनों घर से भाग रहे होते हैं कि मीरब आ जाती है, वो उन दोनों को देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो उसको कहती है कि तुम मरियम को लेकर कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मरियम का तुम लोग रिश्ता कर रहे हो तो इसलिए मैं मरियम को लेकर जा रहा हूँ। वो कहती है तुम्हें मरियम इससे नहीं बताया था कि रिश्ते का इनकार हो चुका है। वो कहता है अगर इनकार हो चुका है तो फिर कोई और दूसरा रिश्ता आ जाएगा, उसका तो फिर मेरे से कंपटीशन करेंगे। जबकि मीरब कहती है तुम रिश्ता तो भेजो, सब कुछ ठीक। वो कहता है अगर मुर्तसिम ना माना तो आप मुझसे वादा करें कि आप मरियम को मेरे साथ रुखसत करेंगे, लेकिन मीरब कहती है मैं मुर्तसिम को मना लूंगी। ये कह के मीरब अंदर चल जाती है और मरियम इसके पीछे जाती है। वो कहती है कि आप भाई को मना लीजिएगा वरना आपको अंश की बात माननी पड़ेगी। मीरब कहती है कि तुम क्या कुछ लेकर घर से जा रही थी। मरियम कहती है मैं कुछ भी नहीं लेकर जा रही थी, मैं सिर्फ ये चादर लेकर जा रही थी। जबकि मीरब कहती है ये चादर ही बहुत कीमती है, यही इज्जत ही है तुम्हारे पास जो तुम इसे खराब करने जा रही थी। मरियम कहती है बस आप भाई को मना ली। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मरियम के रिश्ते वाले आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप मेहरबानी करके मरियम के रिश्ते की हाँ कर दें। जबकि माँ बेगम कहती है कि मैं हया के रिश्ते का आए हुआ मरियम के लिए कैसे हाँ कर सकती हूँ, हया भी मेरी बेटी है, मैं इतनी ज्यादा नहीं कर सकती। जबकि वो खातून कहती हैं आप मरियम के रिश्ते के लिए हाँ करते हैं क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है, मरियम को बहुत खुश रखेगा, वो उसे पसंद करता है, आप मरियम की खुशी देखें। माँ बेगम कहती है मैं सोच के जवाब दूंगी। जबकि वो औरत कहती है कि आपका जवाब हाँ में ही होना चाहिए, इसी में ही मरियम की बेहतरी है। सारे खानदान के माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटियों का रिश्ता करवा दें, जबकि उस लड़के को मरियम पसंद है। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, आप बस मरियम के लिए हाँ कर दें। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मरियम अंश को बार बार कॉल कर रही होती है और वो कॉल कट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि अंश के घर पुलिस वाले आ जाते हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। मुर्तसिम के जो चाचू करवाते हैं क्योंकि इसने तीन लोगों को कत्ल किया होता है, पुलिस वाले इसे लेने के लिए आते हैं। जबकि उस फॉर्म
जबकि वो मजाहमत करता है, पुलिस वाला पिस्टल निकाल रहा था, वो कहता है चुपचाप हमारे साथ चलो, तुमने 3 कत्ल किया, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जबकि उसका बाप उसके यकीन नहीं कर रहा होता कि मेरे बेटे ने 1 कत्ल किए हैं। तभी मुर्तसिम का चाचा कहता है कि आप खुद देख लीजिएगा, ये बात साबित हो जाएगी कि आपके बेटे ने ही ये कत्ल किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हया मरियम के कमरे में आती है और इसे कहती है कि तुम मुबारक हो शादी, तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माँ बेगम आए हुए रिश्ते के बारे में सोच रही होती है कि क्या इस रिश्ते पे हाँ करनी चाहिए मरियम के लिए। इतनी देर में मुर्तसिम आता है और माँ बेगम मुर्तसिम से मशवरा करती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हमें इस रिश्ते पे हाँ कर देनी चाहिए। मुर्तसिम कहता है कि जिस रिश्ते में मोहब्बत हो, यानी कि अब किसी और की तरफ से हो चाहत हो, उस रिश्ते पे हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत नसीबों वालों को मिलती है। तो मरियम तो खुश नसीब हुई, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। माँ बेगम कहती हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मैं अभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि माँ बेगम हया के पास आती हैं, वो कहती हैं ये रिश्ता मरियम के लिए मांग रहे हैं, क्या तुम्हें तो कोई इतराज़ नहीं। वो कहती नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मरियम को वो लड़का पसंद करता है, मरियम वहाँ बहुत खुश रहेगी, आप हाँ कर दें। माँ बेगम कहती है यही सोचकर मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, और लड़का बहुत अच्छा, मरियम खुश रहेगी। हया अपना जेवर लेकर आती है, वो कहती है माँ बेगम आप इसे मरियम को दे दें, अब इसे मरियम की ज़रूरत है। माँ बेगम कहती है नहीं मैं इसे नहीं ले सकती, ये तो तुम्हारे जेवर है। हया कहती है कि नहीं, फिलहाल ये मरियम के ही हैं, जब मेरी शादी होगी तो आप मुझे नए बनवा दीजिएगा। हया उस लड़के को मैसेज करती है और बताती है कि आपके रिश्ते की हाँ हो चुकी है मरियम के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, ये सारी चाल हया की होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मरियम और हया को बुलाया जाता है, जब वो लाउंज में आते हैं तो हया वगैरह सब बैठे होते हैं, मरियम को कहा जाता है कि तुम यहाँ बैठो, और माँ बेगम उसे बताती है कि हमने तुम्हारे रिश्ते की हाँ कर दी है। हया उसे मिठाई खिलाती है, जबकि मरियम रोने लग जाती है मीरब के गले लग के। माँ बेगम मीरब को कहती है कि हमारे खानदान में बड़ी बहुएं छोटी नंदों को मुबारकबाद देती हैं, तुम भी मुबारकबाद दो। नेक्स्ट सीन में मरियम रोते हुए अपने कमरे में आती है, जबकि मीरब उसके पीछे आती है, वो उसे चुप कराती है, वो कहती है देखा माँ बेगम ने हाँ कर दिया, मैं आंसर वगैरह कैसे रहूँगी, आपको अपना वादा याद है ना। मीरब कहती है मैं मुर्तसिम को मना लूँगी, तुम परेशान मत हो, तुम बस रिलैक्स हो जाओ, ये सब ठीक हो जाएगा। मीरब जब कमरे से बाहर आती है तो हया खड़ी होती है, वो कहती है सब गाय बजाई तुम्हारी, तुम्हारी वजह से ही रिश्ता हुआ है। जबकि हया कहती है मुझे बहुत दुख हो रहा है मरियम के रोने की वजह से, वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों बहनों की तरह रहे हैं, वो मुझे हमेशा माँ बेगम से बचाती थी और मैं उसको माँ बेगम से, हम बहुत खुश थी तुम हमारे दरमियान आई हो, मुझे मरियम के रोने की वजह से बहुत दुख हो रहा है। जबकि मीरब कहती है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि मीरब माँ बेगम को बताती है कि मरियम खुश नहीं है, वो किसी और को पसंद करती, आप मरियम के साथ ठीक नहीं करें, इस रिश्ते में मरियम की बिल्कुल कोई मर्जी नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। जबकि दूसरी तरफ अंश मरियम को बहकाता है कि हम भाग चलते हैं, देखा तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया, तुम्हारा भाई कभी भी नहीं मानेगा, तुम्हारी भाभी बात नहीं। वो लड़का घर आता है तो मरियम उसे बताती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। जबकि वो लड़का कहता है मुझे तो किसी ने कहा था कि आप मुझे पसंद करती। मरियम ये बात पूछती कि आपसे किसने कहा, वो लड़का हया का नाम लेने लगता है, बल्कि हया का नाम ले लेता है कि हया भी पीछे से आ जाती है। हया बहुत परेशान हो जाती है अपना नाम सुन के। जबकि नेक्स्ट सीन में मीरब मुर्तसिम को बता देती है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, मरियम को पसंद नहीं करती बल्कि वो किसी और को पसंद करती है। आपने ये स्टोरी देख ली है कि किस तरीके से है तेरे बिन ड्रामा, बहुत अच्छी रेटिंग जा रही है पाकिस्तान और इंडिया में, तो ओवरऑल मैं अगर रेटिंग दूँ तो बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, व्यूज भी बहुत, इसके जो व्यू लिए गए हैं उसके बहुत अच्छे लिए गए हैं, अच्छे से सीन लिए गए हैं, शूट किए गए हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।